विधानसभा सत्र चल रहा है और आज भी विधानसभा में जारी रहेगी बजट पर चर्चा। इसके अलावा विधायी कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भजनलाल सरकार विधानसभा में पेश करेगी अपना पहला निरसन विधेयक, इसको समझिएगा। दरअसल विधेयक के जरिए पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से पारित गांधी वाटिका विधेयक को समाप्त करेगी। पूर्ववर्ती सरकार के समय 24 जुलाई 2023 को विधानसभा में यह विधेयक पारित किया गया था। विधानसभा में कार्यवाही की शुरुआत 11 बजे प्रश्नकाल के साथ होगी। प्रश्नकाल में उद्योग, राजस्व, युवा एवं खेल, वन, सामाजिक एवं न्याय विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर शून्यकाल में सत्ता पक्ष के विधायक जेठानंद व्यास करेंगे सरकार का ध्यानाकर्षण। सहकारिता संस्थाओं की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे। दोपहर बाद सदन में बजट पर चर्चा होगी, क्योंकि एक नवाचार जो हो रहा है, चाहे वो लंच टाइम को लेकर कहें या फिर अन्य तरीकों से कहें। फिर दोपहर बाद सदन में बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। मंगलवार को सरकार बजट पर हुई चर्चा पर अपना जवाब देगी। उम्मीद कर सकते हैं कि जवाब शांतिपूर्ण तरीके से दिया जा सकेगा। अभी तक माना यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ही सरकार की तरफ से जवाब देंगी। हालांकि कुछ मंत्रियों और भाजपा नेताओं की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा से भी आग्रह किया गया है, सदन में जवाब देने के लिए आग्रह है। बजट में जवाब के दौरान सरकार आम जनता के लिए कुछ और नई घोषणाएं कर सकती है, क्योंकि ऐसा होता आया है जब जवाब पेश किया जाता है तब फिर और अन्य घोषणाएं जुड़ जाती हैं। और ये भी सुनना बेहद दिलचस्प होगा और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि जो जवाब पेश किया जाएगा वो किसकी तरफ से होगा। क्या किसी मंत्री की तरफ से, या फिर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से, या फिर किसी अन्य चेहरे की तरफ से। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री जवाब पेश करें, लेकिन अभी जैसे हमने आपको जानकारी दी कि वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, एक खास समीक्षा बैठक होने जा रही है, उसका वो हिस्सा बनेंगे। लेकिन दोपहर बाद फिलहाल ये जवाब पेश किया जाएगा। इसके पहले ये पूरा जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, उसके बाद जवाब पेश करना, ये रहेगा और 11 बजे से सत्र शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विस्तार से उनसे समझेंगे। योगेश जी, वैसे तो हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली आपसे समझना चाहेंगे कि आज क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि पहला निरसन विधेयक पेश करेगी और उसके जरिए पूर्ववर्ती सरकार की तरफ से पारित गांधी वाटिका विधेयक को समाप्त करने की बात होगी, तो जरा इसे समझाइएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस भी बताइएगा। देखिए, पूरी तरह टेक्निकल जो मसले हैं जी विधेयक से जुड़े और बिल पर चर्चा की बात है, वो तमाम चर्चा सदन में देखने को मिल सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सत्र कब तक चलेगा। तो अभी 29 जुलाई तक का जो एजेंडा है वो सामने है, लेकिन जो कहा जा रहा है आने वाले टाइम में कि स्पीकर का ये इच्छा है और मन भी है कि और कार्य दिवस बढ़ाए जाए, तो ऐसे में अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मौजूदा विधानसभा सत्र की कार्यवाही बढ़ सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 40 दिन सदन चलाने का जो एजेंडा है वो ऐसे में पूरा हो सकता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि प्रश्नकाल की कार्यवाही में कुछ व्यवधान आए, तो आज स्पीकर की कोशिश होगी कि प्रश्नकाल पूरी तरह सुचारू चले। और ये जो प्रश्नकाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नकाल के जरिए ही सदन में मंत्रियों के जवाब सामने आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज है और इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए भी ज्वलंत मसले आज सदन के पटल पर सामने आते हैं और मंत्री चाहे तो उनके जवाब भी सामने आते हैं। लेकिन जो प्रश्नकाल होता है उसमें अनिवार्य रूप से मंत्रियों को सवालों का जवाब देना होता है। कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस जो पहले दिन थोड़ी सी कमजोर थी उनमें अब सुधार दिख रहा है और पूरी तैयारी के साथ वो सदन के अंदर नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष आक्रामक है और जनहित के मुद्दों पर लगातार घेरने की कोशिश है। खासतौर से आज भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हुआ, किसानों का मुद्दा हुआ, भारी वर्षा के साथ जो कई जगह पर फसल खराबी की भी स्थिति है उसको लेकर भी बात हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो विधायी कार्य होता है जिसके जरिए अलग अलग बिल्स के जरिए सदन में भावी एजेंडा सरकार का रखा जाता है उन पर चर्चा होती दोपहर बाद है। बजट पर जो चर्चा का दौर जारी है वो चर्चा हमें देखने को मिलेगी। और आपको ध्यान ही है कि कोशिश शुक्रवार के दिन भी की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को बुलाया जाए, पर कमोबेश वो कोशिश लगभग पूरी हुई, सदन थोड़ा सा लेट भी चला था। आज भी कोशिश ये रहेगी कि
जो बात रखना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा अवसर होता है जिसके जरिए ना केवल पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी पार्टी के बारे में भी बात रखते हैं जी, और साथ ही अपने क्षेत्र में जो है कार्यों को लेकर, उपलब्धियों को लेकर भी सदन के अंदर बात रखते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की जाती है। तो बजट पर चर्चा का दौर है, और हमने देखा पिछले दिनों में कि किस तरह से सार्थक चर्चा का दौर देखने मिला। कई विधायकों ने आउटस्टैंडिंग रूप से अपनी परफॉर्मेंस सदन में चर्चा के दौरान दी थी। जी योगेश जी, जवाब कौन पेश करेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी दरख्वास्त की गई है, या फिर हो सकता है दिया कुमारी पेश करेंगी, अन्य मंत्रियों का भी नाम सामने आ रहा है, प्रोसेस क्या कहता है और आज कौन जवाब पेश कर सकता है? देखिए, काफी कुछ चीजें सदन के फ्लोर पर जो नजर नहीं आती, पर्दे के पीछे सियासत के दौरान देखी जा सकती है, क्योंकि दिया कुमारी ने बजट प्रस्तुत किया था। अब तय करना है बीजेपी विधायक दल के संसदीय कार्य मंत्रालय को किस तरह से होगा, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की भी मंगलवार है, तो जो रूटीन बैठक होती है जब विधानसभा चलती है, तो कल बीजेपी विधायक दल की भी सुबह बैठक होगी। तो यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में सदन के नेता जो कि मुख्यमंत्री है उनसे पूछकर निर्णय करेंगे कि इस बारे में क्या कुछ अंतिम निर्णय सरकार की ओर से रहा जाना है। बहरहाल, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ऐसा मौका पहले भी कई बार आया है जी, जी। जब जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री रिप्लाई दे, जरूरी नहीं कि और कोई दूसरा नेता दे, अब वो नेता दे जिसने बजट पेश किया हो, तो ऐसे में और विधि एक्सपर्ट या वित्त एक्सपर्ट से भी जो मंत्री है उनसे भी बजट पर रिप्लाई दिया जा सकता है, और ये कमोबेश पुरानी परंपराएं इस तरह की ज्यादा तो नहीं रही, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है। प्रद्युम्न सिंह को हमने जवाब देते हुए देखा है विधानसभा के अंदर कांग्रेस के राज के दौरान। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए योगेश जी आपका।